हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज बात करते हैं, थोड़ा पास्ट में जाते हैं। देखिए, हम लोग को ऐसा लगता है कि जिन प्लेयर्स को हम लोगों ने देखा है, वही उनसे बड़ा प्लेयर कोई शायद हुआ ही नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री जो है वो 140 ईयर्स से ज़्यादा की है, तो बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स हुए हैं। और आज बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की जो कि शायद क्रिकेट का सबसे पहला पोस्टर बॉय था, मतलब के अ रोमांटिक फिगर। ही वाज लाइक अ लार्जर देन लाइफ फिगर, एंड यू नो प्लेड द गेम जस्ट फॉर द एडवेंचर ऑफ द गेम। और उस प्लेयर का नाम है कीथ मिलर। ये ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर था। ही वाज बोर्न इन 1919। कीथ मिलर स्टार्टेड हिज करियर इन 1945, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और क्रिकेट फिर शुरू हुआ, और 1956 तक वो खेला है, और सिर्फ 55 टेस्ट मैचेस खेला। लेकिन ही हैज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड, 37 बैटिंग एवरेज है विथ 7 सेंचुरीज एंड आई थिंक सम वेरी बिग हंड्रेड्स ही मेड। और हिज बॉलिंग एवरेज इज़ फैबुलस एज वेल, 23 से भी कम है। और ही हैज़ टेकन सम 170 odd wickets एंड ही हैज़ प्लेड ओनली 55 टेस्ट मैचेस, बिकॉज उसका करियर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इंटरप्ट हो गया व्हेन ही वाज एट हिज पीक, सिमिलर टू ब्रैडमैन। वो एक्सेलेंट रिकॉर्ड, एंड ही वाज अ वेरी यू नो प्रॉपर बैट्समैन, एंड अ वेरी ही कुड बोल वेरी फास्ट, ही कुड बोल लेग स्पिन, ही कुड बोल लाइक ही कुड डू एनीथिंग। ही वाज अ वेरी अनप्रडिक्टेबल प्लेयर। तो कीथ मिलर जो था वो एक जैसे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लंदन में कैनरी वॉर्फ में काम करते थे, क्रेडिट स्विस में जो एक बैंक है। तो हमारी एक मैनेजर थी, वो श्रीलंकन ओरिजिन की लेडी थी, बट शी वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। तो हम लोग का एक प्रोजेक्ट लंच हुआ था, तो उसमें ऐसे ही बात हो रही थी कि किसकी हॉबी क्या है। तो आई सेड माई हॉबी इज़ क्रिकेट, एंड यू नो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। तो वो बोलती है कि यू नो आई नो नथिंग अबाउट क्रिकेट, आई ओनली वॉच्ड क्रिकेट वन इमरान खान वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो इमरान हैड दैट यू नो इफेक्ट ऑन द लेडीज, एंड इन अ बाइगॉन एरा, आप 1950s में चले जाएं, तो द सेम इफेक्ट कीथ मिलर हैड ऑन द लेडीज। लाइक ही हैड फिल्म स्टार गुड लुक्स, ही कुड डू एनीथिंग ऑन द क्रिकेट पिच। कीथ मिलर जो था वो एक नेचुरल एथलीट था। वो क्रिकेट के अलावा वो काफ़ी हाई लेवल पे ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल भी खेलता था, और भी कई गेम्स खेलता था। तो वो न्यू साउथ वेल्स का था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में, तो ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, एंड ही वॉज काइंड ऑफ एट द जस्ट स्टार्टिंग आउट, एंड रियली यू नो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर था वो। तो उस टाइम में तो क्रिकेट बंद हो गई। तो ही बिकेम अ फाइटर पायलट, एंड ही वॉज देन यू नो कॉल्ड अप फॉर द रॉयल एयरफोर्स इन इंग्लैंड, एंड ही वॉज पोस्टेड इन बोनमथ। बोनमथ जो इंग्लैंड के साउथ में एक जगह है, वहाँ पे रॉयल एयरफोर्स में। तो वो रॉयल एयरफोर्स का वो फाइटर पायलट एक प्लेन था, फाइटर प्लेन मॉस्किटो, ही यूज टू यू नो फ्लाई दैट प्लेन। तो वो उड़ाता था वो जर्मनी एंड ऑक्यूपाइड फ्रांस में जाके, यूज टू यू नो फाइट अगेंस्ट द एनिमी एंड ऑल दैट। तो उसमें भी उसका बड़ा एडवेंचरस स्टोरीज है कि वो एक बार क्या हुआ कि एक फॉर्मेशन में उन लोग फ्लाई कर रहे थे, तो बीच में से मिलर जो है वो गायब हो गया उसका प्लेन। तो ये लोग जब लैंड किए इंग्लैंड में, तो मिलर कीथ मिलर गायब है विथ हिज प्लेन, आया ही नहीं। तो काफ़ी लेट आया वो, तो उसका कमांडिंग ऑफिसर काफ़ी गुस्से में था, बोला तुम कहाँ कहाँ गायब हो गए थे। तो बोला हम थोड़ा सा डिटोर लेकर के ना आई वेंट टू जर्मनी एंड बॉर्न के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे। तो बोला क्यों? तो बोला कि बॉर्न इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बीटोवेन, जो कि मेरा फेवरेट म्यूजिक कंपोजर है, तो हमको लगा थोड़ा बॉर्न देख के आ जाते हैं। तो ही वॉज अ मैन लाइक दैट यू नो, एन एब्सोल्यूट एडवेंचरर एंड अ कैवेलियर, एंड ही यूज टू प्ले द गेम लाइक दैट ऑल्सो, मतलब जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, एंड ही यूज टू इंजॉय इट। तो इस तरह की जो स्टोरीज है इसकी, कीथ मिलर की ना, मतलब नेवर एंडिंग। ही इज़ लाइक लार्जर देन लाइफ फिगर। तो एक बार और क्या हुआ कि उसका एक फाइटर प्लेन था जिसमें कि आग लग गई, और एक इंजन पे ही वो चल रहा था। तो समहाउ उसने बेली पे लैंड किया उसको, और वो लैंड होते ही पूरा इट ब्रोक एंड द होल यू नो प्लेन कॉट फायर।
तो एंड ही दिस गाय कीथ मिलर समहाउ एस्केप्ड अनहर्ट एंड देन ही जस्ट वॉक्ड ऑफ एंड 1 घंटे के बाद ही वाज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच. तो देर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दैट. और उस टाइम में 1945 के बाद जब क्रिकेट शुरू हुआ, व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया एज अ फास्ट बॉलर एंड अ यू नो प्रॉपर बैट्समैन, तो द कैप्टन वाज एज यू नो द ग्रेट डॉन ब्रैडमैन. एंड डॉन ब्रैडमैन का बहुत ही क्लिनिकल अप्रोच था, स्पेशली 1948 की जो सीरीज हुई इंग्लैंड में, जो कि डॉन ब्रैडमैन की लास्ट सीरीज थी, उसमें डिसाइड हुआ कि वी विल नॉट लूज अ सिंगल मैच. मतलब टेस्ट मैच खाली नहीं, एनी काउंटी मैच, एनी फ्रेंडली मैच, एनी बेनिफिट मैच, हम लोग एक भी मैच नहीं हारेंगे, ऐसा डॉन ब्रैडमैन ने टीम के साथ डिसाइड किया. एंड दे फॉलोड इट एंड देन दे डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच. उस पूरी सीरीज में कुछ 40+ मैचेस हुए एंड ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच. तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल कीथ मिलर वॉज डिसलाइक्ड इट अ लॉट, क्योंकि उसको तो इंजॉय करना था गेम. तो एक मैच हुआ था एसेक्स में, एसेक्स के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का, इन साउथ एंड, जो कि यहाँ से क्लोज ही है जहाँ हम बैठे हुए हैं. तो उस मैच में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन में 721 रन बनाया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. और कीथ मिलर वॉज टोटली डिसगस्टेड बाई दैट अप्रोच, कि एक यू नो काउंटी टीम के अगेंस्ट हम लोग इस तरह से उसको बिल्कुल रूथलेस अप्रोच से जा रहे हैं. तो व्हेन ही वेंट इन टू बैट, जो पहली बॉल आई उसने जस्ट बॉल को छोड़ दिया, बोल्ड हो गया वो. तो विकेट कीपर को बोला कि थैंक गॉड इट्स ओवर एंड ही जस्ट वॉक्ड ऑफ. तो कीथ मिलर नेवर गॉट अलॉन्ग विथ ब्रैडमैन बिकॉज हिज अप्रोच एंड ब्रैडमैन्स अप्रोच वॉज लाइक पोल्स अपार्ट. तो एक बार ऐसा भी हुआ कि ब्रैडमैन ने उसको बॉल दिया फर्स्ट ओवर के तुम बॉलिंग करो, तो पता नहीं उसका मूड ऑफ था, तो उसने बॉल वापस ब्रैडमैन को फेंक दिया कि आई वॉन्ट बॉल. तो नो बडी कुड डेयर टू डू दैट विद ब्रैडमैन, बट दिस गाय यूज टू डू ऑल दैट. तो बाद में जब ब्रैडमैन रिटायर हुआ 1948 में, तो इमीडिएटली बिकेम द सेलेक्टर. एंड ब्रैडमैन बीइंग यू नो द ग्रेटेस्ट नेम इन वर्ल्ड क्रिकेट एट दैट टाइम इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट. तो कीथ मिलर, इवन दो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स ऑन द टीम एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द कैप्टनसी, ही नेवर गॉट द कैप्टनसी बिकॉज परहैप्स ब्रैडमैन वॉज द सेलेक्टर एंड ही डिड नॉट लाइक कीथ मिलर अ लॉट. तो इसको कहा जाता है कि परहैप्स द बेस्ट कैप्टन हु नेवर कैप्टन ऑस्ट्रेलिया, कीथ मिलर को. बट न्यू साउथ वेल्स को इसने काफ़ी कैप्टन किया, और उसमें भी एक से एक स्टोरीज है. मतलब स्टोरीज तो खैर कीथ मिलर के साथ इतनी है कि नेवर एंडिंग है. तो एक बार क्या हुआ कि कीथ मिलर टीम को लेके घुसे ग्राउंड में, तो शायद अंपायर ने नोटिस किया कि 11 की जगह 12 प्लेयर आ गया है. तो कीथ मिलर को बोला कि सर यू हैव गॉट 12 प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ 11. तो ऐसे घूमा वो पूरा, बोला कि वन ऑफ यू जस्ट पिस ऑफ फ्रॉम हियर, मतलब वन ऑफ यू. तो फिर एक बार क्या हुआ कि वो जो फील्डिंग जैसे वो सेट करता था ना, तो कभी ऐसे ही बोल देगा जस्ट स्कैटर अराउंड. एंड एक बार क्या हुआ कि उसने कुछ मैच के एक दिन का खेल हुआ और रात में ही वॉज ब्लेस्ड बाई अ सन, वो न्यूज़ आई शायद, तो पूरी टीम को बोला कि आज पार्टी करेंगे हम लोग रात में. तो ये लोग सुबह तक पार्टी वार्टी करते रहे, और जब नेक्स्ट डे ग्राउंड पे गए, जब उनको बॉलिंग करना था टीम को, तो कीथ मिलर वॉज लाइक ही वॉज सो टायर्ड एंड स्लीपी, हार्डली ही वॉज एबल टू ओपन हिज आईज. तो जब ग्राउंड पे पहुंचा ना, तो एक एलन डेविडसन इसके टीम में बॉलर था, वो भी बहुत ही ग्रेट ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था, तो वो बॉल लिया उसने और बोला कि हम जा रहे हैं बॉलिंग करने. उसको लगा कीथ मिलर तो ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा ठीक से, क्या बॉलिंग करेगा. तो बट मिलर पिच को देखता है, बोलता है कि ये पिच लगता है मेरे लायक लग रही है. तो उसको बोला नहीं नहीं आई विल बोल्ड एंड ही प्रोसीडेड टू टेक 7 विकेट्स फॉर 12 रन्स एंड द ऑपोजिशन वॉज आउट फॉर 27. तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज है कीथ मिलर की. और क्रिकेट में भी ऐसा ही था, मतलब जब उसका मूड करता था तो बहुत पेस करता था, इतना पेस कि मतलब हटन एंड कॉम्पटन जो उस टाइम में बेस्ट प्लेयर्स थे, बैट्समैन थे वर्ल्ड के, दे वर नॉट एबल टू प्ले हिम. इनफैक्ट हटन रेट्स हिम एज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर्स ही हैज़ एवर फेस्ड. और बाउंसर भी वैसे ही मारता था वो, एंड देन कभी मूड किया तो लेग स्पिन कर रहा है उसने, कभी अपना जो रन अप मार्क ही नहीं करता था वो, जितने स्टेप से मूड किया दौड़ के आ गए बॉलिंग कर दिया.
एंड बैटिंग में भी वो क्राउड प्लीजर था, मतलब क्राउड अगर सिक्स सिक्स डिमांड करेगा ना देन ही विल हिट अ सिक्स, और उसका सिक्स अभी कई ग्राउंड पर रिकॉर्ड था उसका, हिटिंग द बिगेस्ट सिक्सेस इन ऑन दोज ग्राउंड्स. बट ही कुड ऑल्सो बी अ वेरी प्रॉपर बैट्समैन विथ अ प्रॉपर डिफेंस, एंड यूज टू प्ले यू नो लॉन्ग इनिंग्स जब जरूरत पड़ती थी तो वो भी है. एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट फील्डर एज वेल इन द स्लिप्स, और कैच लेके मतलब एक एक अनबिलीवेबल कैच लेके ना ही विल स्टार्ट टॉकिंग टू द यू नो प्लेयर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं है. एक बार क्या हुआ कि ब्रैडमैन ने कुछ एज द कैप्टन कुछ टीम को रूल बनाया था कि कर्फ्यू था कि इतने बजे के बाद एवरीवन विल गो टू देयर रूम्स एंड स्लीप एंड नो वन यू नो विल मेक नो वन विल हैव अ लेट नाइट. तो रात में 1-2 बजे ब्रैडमैन के रूम पे नॉक हुआ, तो ब्रैडमैन ने खोला, वो नींद में था बेचारा, खोला तो देखता है कि कीथ मिलर पूरा डिनर जैकेट एकदम टाई वो पहन के रेडी है. तो वो बोला कि व्हाट बट देयर इज अ कर्फ्यू व्हाई आर यू गोइंग आउट. तो बोला कि यू सेड के वी हैव टू स्लीप बाय 10 o'clock. आई डिड गो एंड स्लीप बाय 10 o'clock बट नाउ आई एम गोइंग आउट बिकॉज आई फॉलोड द कर्फ्यू, नाउ आई एम गोइंग आउट. ऐसी भी स्टोरीज है कि प्रिंसेस मार्गरेट जो थी, जो कि अभी क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ की बहन थी, उनसे भी कीथ मिलर के कुछ अफेयर हुआ रहा था, पता नहीं. बट देर आर सो मेनी लेजेंड्स अराउंड कीथ मिलर. फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ रे लिंडवॉल वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलिंग पार्टनरशिप्स ऑफ ऑल टाइम्स. लिंडवॉल एंड मिलर सिमिलर टू यू नो वकार एंड वसीम एंड एम्ब्रोज एंड वॉल्श एंड लिली एंड थॉम्पसन, तो दोनों यू नो वेरी क्विक फास्ट बॉलर्स. मे बी रे लिंडवॉल वॉज अ मोर क्विकर बॉलर बट देन मिलर वॉज द मोर अनप्रडिक्टेबल एंड ही कुड डू इफ मूड में रहा तो कुछ भी कर सकता है वो. और वो ऐसा प्लेयर था कि जो कि एक ना मैच में एक आके डिसाइसिव इंटरवेंशन कर देता था, मतलब विद इन 10-15 मिनट्स विल जस्ट चेंज द गेम विथ हिज बैट बॉल और विथ हिज फील्डिंग, इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर. तो मिलर रिप्रेजेंट्स दैट यू नो दैट बाइगॉन एरा जबकि देर वॉज नो मनी इन द गेम बट देन द प्लेयर्स यूज टू प्ले इट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट एंड दे यूज टू इंजॉय लाइफ. एंड यू नो कैरेक्टर हु वॉज जैसे कि वो प्लेन फाइटर प्लेन उड़ा रहा है वैसे ही क्रिकेट भी खेल रहा है. विथ हिज हैंडसम लुक्स एंड हिज फ्लोइंग हेयर ही लुक लाइक अ मिल्स एंड बून्स हीरो एंड ही वॉज हीरो ऑन द क्रिकेट फील्ड एज वेल. और ऐसा और एक स्टोरी है कि ही वॉज शॉट डाउन 6 times ड्यूरिंग द वॉर एंड सर्वाइव ईच टाइम. शायद प्रेजेंट जनरेशन कीथ मिलर को नहीं जानता है उतना, लेकिन यू नो ही वॉज द ओरिजिनल पोस्टर बॉय. ही वॉज ट्रूली अ रोमांटिक फिगर एंड ही नेवर प्लेड द गेम फॉर रिकॉर्ड्स, ही प्लेड इट फॉर फन एंड इन दैट स्पिरिट. सो कीथ मिलर इज़ अ हाईली रिस्पेक्टेड एंड मच लव्ड फिगर ऑफ द गेम. अगर आप कभी लॉर्ड्स जाएंगे तो लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में कीथ मिलर की बड़ी सी पोर्ट्रेट है. तो लॉर्ड्स में बहुत ही सेलेक्ट फ्यू लोगों की पोर्ट्रेट है, उसमें कीथ मिलर इज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड देयर. तो रिमेंबरिंग कीथ मिलर द फर्स्ट पोस्टर बॉय ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, होपफुली आप लोग को भी मज़ा आया होगा. तो अगर मेरे मेरा ब्लॉग्स अच्छा लग रहा है आप लोग को तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ओके देन, थैंक्स अ लॉट, बाय.